प्रेरितों 12 एक से 17 तक, प्रेरितों 12 एक से 17। उस समय हेरोदेस राजा ने कलिसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पत्रस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पगरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पत्रस बंद था, परंतु कलिसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पत्रस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पगरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पगले और दूसरे पगरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर हैं। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पत्रस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पत्रस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पत्रस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उसे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पत्रस खटखटाया ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। प्रिय भाई बहनों, इधर हम देखते हैं पत्रस को कैसे जेल में डाला गया हेरोदेस और उसको कैसे छुटकारा मिला करके हम देखते हैं। हम इसके पहले देखते हैं याकूब यूहन्ना का भाई। हमको मालूम है पत्रस, यूहन्ना, याकूब तीनों मेन मुख्य प्रेरितों थे, खंबा जैसे थे। वो लोग तीनों एक ही समय बुलाए गए। हमको मालूम है वो लोग जब मछली पकड़ने गए, पत्रस को प्रभु ने अद्भुत काम किया। पत्रस के जीवन में बहुत सारी मछलियाँ पकड़े
और वो उनके पार्टनर्स जो युगना और याकूब, उनको भी वो लोग बुलाए, तीनों को प्रभु एक ही साथ मुलाकात करते हुए हम देखते हैं। इधर हेरोदेस क्यों ऐसे कर रहा है, याकूब को मार डाल दिया, तब कलीसिया अचानक याकूब चला गया तो वो लोग अचानक उनको जाग, वो लोग जाग उठे, ओ हो अभी याकूब मर गया, प्रार्थना भी नहीं किया, याकूब को पकड़ के मार डाल दिया, अभी पत्रस को भी पकड़ लिया और उनको जेल में रखा है। कलीसिया जागृत हो गया, कलीसिया को पता चल गया अभी हम याकूब जैसे, याकूब के समय जैसे हम ऐसे रहेंगे, पत्रस को भी खतरा है, पत्रस भी चला जाएगा, बहुत नुकसान कलीसिया के लिए, इसलिए हम प्रार्थना करना करके वो लोग बहुत प्रार्थना करना शुरू किया। हमको मालूम है पांचवा वचन में पढ़ते हैं, पांचवा वचन में पढ़ते हैं, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और बारह वचन में भी हम पढ़ते हैं, बारह वचन में वो मार्क जॉन मरकुस युगना, वो उसका घर में भी बहुत लोग, बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। मुझे पता नहीं ये दोनों एक ही जगह है, नहीं तो अलग अलग जगह में लोग बैठ के प्रार्थना किया पता नहीं है, लेकिन मरकुस जॉन युगना उस पहले भी हम कई पंडित लोग, बाइबल का पंडित लोग बता रहे हैं, मरकुस जॉन युगना मरकु करके नामक युगना मरकुस का जो सुसमाचार लिखा हुआ, वो व्यक्ति का घर ऊपर की कोठरी, उसमें प्रभु भोजन भी प्रभु ने शुरू किया पकड़वाने का वो रात में, और 120 लोग उधर ऊपर की कोठरी में बैठे थे करके लिखा गया प्रेरितों दो अध्याय में, वो भी उसका घर ही होगा करके लोग बोल रहे हैं। अभी इधर भी देखिए कई लोग उधर इकट्ठे होके, बड़ा हाल होगा, बड़ा घर होगा, बड़ा धनवान होगा, कई लोग इकट्ठे होके वो लोग प्रार्थना करने लगे, कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग करते रह रहे हैं, अद्भुत काम नहीं हो रहा है। हमको पता है इधर अगले दिन पत्रस को मार डालने वाला था हेरोदेस, लास्ट मिनट तक शैतान उनको सामना किया, हमला किया। देखिए प्रिय भाई बहनों, हम एक एक कलीसिया में जो जो नेतृत्व में है उनके लिए हम जरूर प्रार्थना करना है। कभी कभी हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कोई कोई सेवक लोग मर जाते हैं, कोई कोई सेवक लोग को शैतान मार डाल देता है और हम प्रार्थना में ढीला रहेंगे, कोई कोई सेवक लोगों को जेल में डाल देते हैं कुछ काम करने बगैर, प्रभु का काम को रोकवाने के लिए शैतान कार्य करता है। हम ऐसे छोड़ते रहेंगे तो प्रार्थना करने बगैर शैतान तृप्त नहीं होता है, एक एक करके मारते जाता है। उसको मालूम है बड़े बड़े लीडर्स को मार डालेंगे, उनको बंदीगृह में रखेंगे, कलीसिया का स्पीड कम हो जाएगा, कलीसिया की बढ़ोतरी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक नेता को बनाने में परमेश्वर को बहुत साल लगता है। कोई भी आप इतिहास में देखिए, कोई भी दुनिया में अभी तक बड़े बड़े काम प्रभु के लिए किए हुए मसीह समाज में प्रभु के सेवक लोग, बचपन से ही उनका विरोध में शैतान आता है। मूसा के बारे में हमको मालूम है, मूसा वो जन्म होते ही उनको मारने के लिए आज्ञा हो गया, नील नदी में उसको फेंकना है वो क्रोकोडाइल्स के बीच में खाने के लिए, मगरमच्छ खाने के लिए, कई बच्चे लोग मर गए लेकिन प्रभु मूसा को बचाया, आश्चर्य रीति से उनको संभाला प्रभु। और उनका जीवन में भी कितने मुश्किल कष्ट, मरुस्थल में वो डेसर्ट में एक चरवाहा का काम 40 साल कर रहा है, घर जमाई होकर ससुराल में रहता है, कई ट्रेनिंग उनको होने के बाद में प्रभु बोल रहा है दर्शन देकर, अभी आ तुम आ, तुझे मैं मिस्र देश में भेजूंगा, मेरे जनता को तुम छुड़ाना है। दाऊद के बारे में सोचिए, आसान नहीं है, दाऊद एक 16 साल में उनको राजा के रूप में शमूएल ने अभिषेक किया, लेकिन आपको मालूम है
30 वर्ष में ही दाऊद राजा बन गया, तब तक इतना कष्ट मुसीबत, शाऊल के द्वारा कितना विरोध, इधर उधर भागा जंगल में, कहीं कष्ट उनको हुआ, वो सारे कष्टों को शैतान ही सब कर रहा है उनको मार डालने के लिए। लेकिन ये सब चीज में प्रभु उनको संभाला गए, अच्छा एक लीडर बनाया, दाऊद आखिरी श्वास छोड़ने तक इसराइल जनता को प्रेम किया, सुलेमान जैसे नहीं है, पूरा हृदय से प्रभु को प्रेम किया, इसराइली जनता को प्रेम किया, अपना देशवासी लोगों को प्रेम से चलाया, आखिरी तक ऐसे किया। वो आसान नहीं है, कोई भी लीडर को बनाना प्रभु के लिए आसान नहीं है। पत्रस, याकूब, योहन्ना और जो भी लीडर सभी हमारे जीवन में प्रभु दिया गए कलीसिया के लिए विश्व भर, वो लोग इतना आसान रीति से लीडरशिप में नहीं आते, इसलिए प्रार्थना करना है। एक लीडर को खोएंगे तो भी बहुत नुकसान होता है। आपको मालूम है कोई कोई ऐसे बोलते हैं, ठीक है क्या गए, एक ही मनुष्य बड़ा है क्या, वो चले जाएगा तो दूसरा को प्रभु इस्तेमाल करेंगे, एक जाएगा तो क्या गए, प्रभु के लिए सब कुछ संभव करके लोग बोलते हुए मैं सुनी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु, ये प्रिय भाई बहनों, वो उस जगह को भरने के लिए थोड़ा साल लगता है। मसीह शैतान भी मसीह विरोधी को तैयार करने में उनके लिए भी बहुत समय लगता है। एक एक अभी हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग धर्म को स्थापना किया हुआ, लोगों को वंचित किया हुआ, बड़े बड़े नेता लोगों को बनाने के लिए शैतान को भी कई साल लगता है, क्योंकि मनुष्य एक गुड़िया जैसा नहीं है। मनुष्य अपना सुइच्छा का मनुष्य को वो अपना आपको समर्पण करेगा, शैतान को समर्पण करेगा, शैतान उनको बनाएगा। वैसे प्रभु का पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा में बनाएंगे, प्रभु बनाएंगे हमको, समय लगता है। दोनों अंधकार का दुनिया में भी, ज्योति का राज्य में भी, दोनों में भी नेता को खड़ा करना कहीं समय लगता है। इसलिए हमको असल्ट रखना नहीं, मतलब ऐसे केयरलेस नहीं रखना है। प्रार्थना कीजिए अपना कलीसिया में, सब कलीसिया छोटा भी हो बड़ा भी हो, एक एक कलीसिया में कई लोग नेतृत्व में रहेंगे, कई पहले पास्टर रहेंगे, संडे स्कूल टीचर रहेगा, और जवान लोगों को चलाने वाला एक लीडर रहेगा, कहीं दूसरा कलीसिया में जो जो काम होता है उसको करने के लिए कोई नेतृत्व में रहेंगे, हेल्पर, ये सब चीज़ें वो लोग के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। प्रिय भाई बहनों, किसी को भी हमको होना नहीं चाहिए। कितने सेवक लोग यूजुअली सोचते हैं वो ये बड़े बड़े बड़ा बड़ा सेवक के लिए मेरा प्रार्थना क्या जरूरत है, पास्टर के लिए मेरा प्रार्थना क्या जरूरत है, बड़े बड़े समाज में, मसीह समाज में बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े सेवक लोग हैं, उनके लिए मेरा प्रार्थना का मतलब क्या है, ऐसे मत सोचिए। पौलोस बड़ा प्रेरित, पौलोस अपना जीवन में इतना सामना किया शैतान का हाथ से, यहूदी लोगों के द्वारा, रोम सरकार के द्वारा बहुत सहन लिया, सामना किया शैतान उनको, लेकिन बार बार पौलोस कहते हैं कलीसिया को, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। रोम में दो बार वो बंदीगृह में था, पहले बार वो सोच रहा था, इंतजार कर रहा था, वो एक नीरो सीसर उनको शेरों को बीच में फेंकेगा मारने के लिए, कई लोगों को ऐसे फेंका था, ऐसे सोच रहा था, प्रभु उनको बचाया। तीमोथियस के पुस्तक में हम पढ़ते हैं शेर के मुंह से भी प्रभु मुझे बचाया। फिर दूसरी बार ही उनको मृत्यु हुआ, गला कटवाया, उधर इतिहास में पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, कितने साल पौलोस रह कर, कई पत्रियां लिख कर, प्रभु के लिए जो जो अच्छी कुश्ती लड़कर, विश्वास की रखवाली कर, जो जो उनके लिए प्रभु करना है, उनके द्वारा जो जो करना है सब करके ही पौलोस ने गया, क्योंकि कलीसिया उनके लिए रेगुलर प्रार्थना किया, अलग अलग जगह में कलीसिया स्थापना किया, हर कलीसिया वाले उनके लिए प्रार्थना किए होंगे, ऐसे हम भी करना है। हमारा कलीसिया वालों के लिए जो जो नेतृत्व में गए और दूसरे जो जो बड़े बड़े सेवक लोग हैं, जिस चीज़ को प्रभु हमें याद दिलाते हैं, अन्य भाषा का प्रार्थना इतना कीमती है। आपको मालूम है अब जो जो अन्य भाषा का प्रार्थना आप कर रहे हैं स्वर्ग में जाके आपको पता चल जाएगा,
अब जो जो बड़े बड़े सेवक क्या क्या सेवक लोगों के लिए प्रार्थना किया, किस किस लोगों के लिए प्रार्थना किया, जो वो लोग के द्वारा जो जो आत्मा जीता गया, वो जो बड़े बड़े सेवक लोगों के द्वारा जो जो प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किया, उसमें भी आपको प्रतिफल मिलेगा एक बाग। पौलुस हमेशा कहते हैं अपने सगे भाई लोगों के लिए, सगे विश्वासी लोगों के लिए ऐसे बोलते हैं, आप लोग मेरे साथ सगभागी है, पार्टनर्स है सुसमाचार का कार्य में। पौलुस नेता है, लेकिन दूसरे जो जो उनके साथ मदद किए प्रार्थना के द्वारा, वो लोग भी सगभागी है। प्रिय भाई बहनों, उनके लिए भी प्रतिफल मिलेगा। पौलुस को कौन कौन सपोर्ट किया, वो हम रोमियो के पुस्तक में पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर में, उसमें कितने लोगों के नाम लिखा है। इसमें भी नहीं है, ऐसे लोग भी बहुत लोग उनको मदद किए होंगे, कई लोग प्रार्थना किए होंगे, प्रार्थना जो जो किया सबका नाम इधर नहीं लिखा है। प्रार्थना ऐसे एक चीज़ है, गुप्त रीति से आप कर सकते हैं। आपको लोग ऐसे हो क्या आप इतना बड़ा काम किया करके आपको बहुत बड़ा ऊंचा उठाकर नीचे नहीं गिराएंगे। प्रार्थना का सेवका इतना महत्वपूर्ण सेवका है, आप अपना कमरा को बंद कर कर, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, तुम्हारा कमरा को बंद कर कर प्रार्थना करो। जो गुप्त अंदर 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 जो जो तुम प्रार्थना करते हो, उसके लिए प्रभु बागर से जवाब देंगे। प्रिय भाई बहनों, इतिहास में बड़े बड़े जागृति, बड़ा बड़ा जागृति जहाँ जहाँ हुआ है, वो कहीं कोई कोई बहन लोग भाई लोग मिलकर गुप्त रीति में कोई कोई कमरा में उपवास करके निरंतर प्रार्थना करते रहे, तब हुआ। प्रार्थना कीजिए, इधर ये मेन यही करते हैं, सो पढ़ते हैं। कलीसिया प्रार्थना किया, वो भी जो मारने वाला था अगले दिन, लेकिन उसके पहले दिन तक शैतान छोड़ा नहीं है। 16 सैनिक लोगों के बीच में वो रखा गया, 16, इतना फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, कितना शैतान को मालूम है, क्योंकि पत्रस बड़ा व्यक्ति है, शैतान को भी मालूम है आत्मिक दुनिया में कौन कौन बड़ा है। वो लोग को बहुत उनके विरोध में शैतान दांत पीसता है, वो इतना शैतान को पता है, इसलिए इतना 16 लोग सैनिक लोग अंदर फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, इतना अंदर की कोठरी में उनको बंदीगृह में रखा था। लेकिन प्रभु महान है, प्रभु विजय पाया है। ऐसे शैतान सब बड़े बड़े सेवक लोगों को जो जो प्लान किया सब मार दिया होता, तो अभी तक कोई भी सुसमाचार का काम इतना तक नहीं आ पाता बढ़ पाता। लेकिन प्रभु शैतान का हमला को, उनका प्लान को चूर चूर करके इतिहास में कई लोगों की गवाही, ऐसे पत्रस का गवाही जैसे है, वो सब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको पता चलेगा, सबके लिए पुस्तक प्रभु लिख के रखेंगे क्या क्या हुआ एक एक जीवन में। स्वर्ग में बड़ा बड़ा लाइब्रेरी से है पुस्तक, एक एक अलग इतना पुस्तकें हैं स्वर्ग में। अब एक एक व्यक्ति प्रभु के दास लोग, प्रभु के बच्चे लोग के जीवन में जो जो हुआ उसके बारे में पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। कोई एक सेवक ऐसे बताया, प्रभु उनको स्वर्ग में लेके गया, उनको दिखाया, एक पुस्तक को खोला, वो लाइब्रेरी में लेके गया, एक पुस्तक को खोला, वो बोल रहा है, वो पुस्तक खोलते ही मेरा स्पिरिट अंदर ऐसे चला गया, अंदर चला गया, मतलब वो पुस्तक में जो लिखा है वो सचमुच में कैसे हुआ, अपने उसका आंख के सामने जैसे हम देख सकते हैं वैसे वो देखा था। स्वर्ग में पुस्तक पढ़ना बहुत एक रोमांचक, स्वर्ग में जाके हमको पुस्तक पढ़ना बहुत रोमांचक अनुभव है। अभी हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपना कल्पना करना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में आपको कई चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा, लोगों के जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या शैतान का हमला हुआ, कैसे कैसे प्रभु उनको बचाया, प्रभु के बच्चों के प्रार्थना के द्वारा। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना को तुच्छ नहीं गिनना, प्रार्थना करते रहिए। अन्य भाषा का प्रार्थना इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप अनपढ़ हो सकते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकता है, पेपर नहीं पढ़ते होंगे, आपका हाथ में फ़ोन नहीं होता होगा,
लेकिन आपका हाथ में बड़ा हथियार प्रभु ने दिया है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए, चलते हुए फिरते हुए, नहाने के समय में, खाना पकाने के समय में, कभी भी हो, आपको जब भी समय मिलता है प्रार्थना करते रहिए। अन्य भाषा का प्रार्थना आपको मालूम नहीं होगा, वो प्रार्थना कहाँ कहाँ जाकर विश्व भर कोने कोने में क्या क्या बड़ा बड़ा काम करता है आपको मालूम नहीं। अब स्वर्ग में जाके सब आपको मालूम हो जाएगा, तब आप सोचेंगे ओ क्या मैं और भी ज़्यादा करता होता कितना अच्छा होता। मैं उसको मालूम नहीं था, मुझे कई लोग ऐसे ही आंसू बहाएंगे, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कई लोगों का आंसू को प्रभु पहुँचेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है क्यों वो लोग आंसू बहाना गए, स्वर्ग में कुछ भी उधर कमी नहीं है, सबके लिए सब कुछ है, लेकिन वो लोग क्यों आंसू बहाते हैं। प्रभु के बच्चे लोग स्वर्ग में कभी कभी प्रभु क्यों उसका आंसुओं को पहुँचते हैं, लोग सोचेंगे ऐसे इतना महान जगह, इतना महिमा, मैं इससे अच्छा जब पृथ्वी में रहता रहने के समय में इससे ज़्यादा प्रार्थना करता होता तो कितना अच्छा था, इतना कितने इससे ज़्यादा बाइबल वचन को पढ़कर मनन करके उनको प्रचार करके, नहीं तो मनन करके याद करके ध्यान करके और भी समय बिताया तो कितना अच्छा होता। ऐसे लोग आंसू बगाएंगे तब प्रभु उनका आंसुओं को पहुँचेंगे। प्रभु अपना अपना सुइच्छा के लिए प्रभु हमको छोड़ देते हैं, हम खुद निर्णय लेना है, प्रार्थना करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, पूछताछ करना है। प्रभु के लिए जो जो कर सकते हैं करते रहिए। विशेष करके इस 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं पत्रस को कलिशिया का प्रार्थना कैसे छुड़ाया गया, आखिरी तक वो लोग करते रहे, उनको भी वो लोग भी आखिरी में वो क्या इतना दिन कर लिया, अभी तक प्रभु कुछ अद्भुत काम नहीं किया, वो लोग को भी विश्वास नहीं आया, फिर भी प्रार्थना करते रहे। जब पत्रस आ गया द्वार पर, गेट पर, वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु उनके लिए किया। हम विश्वास कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रार्थना का प्रभाव कैसा आपको जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं, फिर भी करते रहिए करते रहिए। हालेलुया। अब बड़े बड़े काम प्रभु हमारा प्रार्थना के द्वारा करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को प्रभु बचाते हैं, शैतान का प्लान्स को चूर चूर करते हैं, और भी लीडर्स को नेतृत्व में उनका लंबी आयु देते हैं, आरोग्यता देते हैं, उनको प्रभु पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करते हैं। कलिशिया का प्रार्थना बहुत मुख्य है, वो हम सीखें, और आज से अभी तक आप प्रार्थना ज़्यादा नहीं किया होता तो भी इस संदेश के बाद में अब निर्णय लीजिए, प्रभु मैं प्रार्थना करूँगा, मेरे कलिशिया में कौन कौन लीडरशिप में है उनके लिए मैं रेगुलर प्रार्थना करूँगा। ऐसे करेंगे अब धन्य बन जाएंगे, उनका जो इनाम मिलेगा उसमें आपके लिए भी भाग मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन।